एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा, कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं नेहा सिंह रोस्ट इंस्टाग्राम रील रोस्ट बाय मिस्टर अभी। तो मतलब दिस इज लाइक वी कैन से नया क्रिएटर के लाइक जैसे हम एवरीडे वीडियोस देखते आ रहे हैं, सो टू टुडे वी आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग। तो ये फिर से होने जा रहे हैं यहां से करो, सो हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते। अरे शांत क्यों खड़े हो, नाचो यार, अपने अपने मोहल्ले में लड्डू बटवा दो। क्यों, तेरी शादी पक्की हो गई है क्या? अरे नहीं, क्योंकि नेहा सिंह और उसके भाई बंधुओं का रोस्ट आ चुका है, नाचो। तो तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टा पे डीएम करके बोला कि नेहा मैडम जी पे वीडियो लेकर आओ, नेहा मैडम जी पर। तो आज फाइनली नेहा मैडम जी और उनके भाई बंधुओं पर वीडियो आ चुकी है। इट्स हर चॉइस। अरे ये वाली नेहा पर नहीं, ये वाली नेहा पर। लेकिन उससे पहले आप लोगों को तो ये मालूम ही होगा, कुछ समय पहले हमारा चैनल हैक हो गया था, जिसकी वजह से जो हमारे चैनल की रीच और जो व्यूज हैं वो बिल्कुल ही कम हो गए हैं। तो प्लीज, वैसे मैं ये कहता नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो को लास्ट से जरूर देखना, इसको शेयर कर देना और लाइक करके कमेंट भी कर देना। इस समय मुझे और हमारे चैनल को आपके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है? तो रुके क्यों, चलो फिर। अरे हाँ मैडम जी, हमारी सासें तो कति धर्मशाला हो रखी हैं, जिसको मन करेगा वो आके बस जाएगा। हैं नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है नहीं है मैडम जी। भाई टिकटॉकरों को भगवान नहीं समझ पाए तो हम क्या समझेंगे? और गलती से अगर हम लोग इन लोगों को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो हम कतई बावले हो जाएंगे, मन बुद्धि संस्थान में भर्ती होना पड़ेगा। नहीं, भरोसा नहीं होता मेरी बातों पर, मैं तुम्हें ये वीडियो दिखाता हूँ, देख कर बताओ क्या समझ में आया तुम्हें। बताओ आया कुछ समझ में? चिंता मत करो, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। उस लड़के ने नेहा मैडम जी को कभी बिना मेकअप के देख लिया होगा, इसलिए कुछ करने की तो जोर की बात है, उस लड़के ने ना छुआ तक भी नहीं। चलो नेहा मैडम जी से थोड़ी देर में मिलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें इनके कुछ भाई बंधुओं से मिलवाना चाहूंगा, मतलब टिकटॉकरों से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ शूज दिखाना चाहूंगा जो मैंने बहुत ही कम प्राइसेस पे मंगवाए हैं। ये हैं पहले शूज, इनका अपर मटेरियल सिंथेटिक का है और सोल मटेरियल ईवीए का, और ये कलर ब्लॉक शूज अभी ट्रेंड में भी हैं। इनकी एक्चुअल प्राइसेस 549 रुपीस की हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ डील ऑफ द डे में 469 रुपीस का मिलेगा। ये सेकंड पेयर ऑफ शूज दिखने में बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं, और इनका सोल मटेरियल ईवीए का है और अपर मटेरियल मैश का बना हुआ है। इसकी जो प्राइसेस हैं वो हैं 549 रुपीस ओनली। ये वाइट स्नीकर्स मेरे पर्सनली फेवरेट हैं, क्योंकि ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते, और इसका सोल मटेरियल है वो है ईवीए का, आउटर मटेरियल है सिंथेटिक लेदर का, और इनकी प्राइसेस सिर्फ 499 रुपीस है। ये ब्लैक पेयर ऑफ शूज बहुत ही स्पोर्टी लुक देते हैं, और इसका अपर मटेरियल है मैश, इसका सोल मटेरियल है रबर, और ये मात्र 449 रुपीस के हैं। इन शूज की जो डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा कैची है, और इसका मटेरियल है एनिमैक्स और अपर मटेरियल है कैनवास, और ये मात्र 499 रुपीस के हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हो, बाकी वेबसाइट्स पे इसकी प्राइसेस ज्यादा हैं, लेकिन मेरा लिंक पे आपको सिर्फ ये 499 रुपीस में मिलेंगे। और ये सारे पेयर्स ऑफ शूज कैजुअल एंड पार्टी पर्पस के लिए हैं। अगर आप इन्हें ऑर्डर करना चाहते हो तो मेरा लिंक के थ्रू कर सकते हो, या आप इन्हें व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर कर सकते हो, और ये आपको देते हैं 5-स्टार पॉलिसी, कैश ऑन डिलीवरी, फ्री शिपिंग एंड इजी रिटर्न्स। और अगर आप मेरा कूपन कोड मेरा लिंक 10 इस्तेमाल करते हो ना, तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जाके शॉपिंग करो ना। देख यार क्या आइटम जा रहा है। ए मुर्गी, अपना नंबर तो देता जा। आपके घर में बाप भाई नहीं है क्या? बाप भी है, भाई भी है, पर तू नहीं आ जा। इन लड़कियों को देखने के बाद मेरे दिल से बस एक ही आवाज निकल रही है, अबे ऐसी लड़कियां क्यों नहीं रहती मेरे घर के आसपास। मैं सच कह रहा हूँ, अगर ऐसी लड़की मेरे घर के आसपास रहेंगी ना, तो मेरी जिंदगी में रंगी रंग भर जाएंगे। 10 और 10 20। तेरे आइटम को लिया मैंने 20। 20 और 20 40। तेरे आइटम ने की मेरी मालिश। 40 और 40 80। तेरे आइटम के साथ पी मैंने लस्सी।
इनके लिए तो मैं एक अर्ज करना चाहूंगा कि अर्ज क्या है, अंकल जी ने आज किसी और की आइटम से ले ली है मालिश, अंकल जी ने आज किसी और की आइटम से ले ली है मालिश, अंकल जी जरा घर पर तो पहुंचो, आंटी देंगी तो मैं आज असली वाली मालिश। अरे मैडम जी तो कभी पानी पानी हो गई, मैं सच कह रहा हूँ अगर इनका चेहरा सच में पानी से धुलवा दिया जाए ना तो इनकी तरफ सैया जी क्या इनका कुत्ता भी नहीं देखे। क्या वारा जाओ उदास के, क्या बताऊँ यार मेरी माँ ने उसकी गली से जाने से मना किया। तो मत जाना यार, माँ से बढ़के तो नहीं है। अरे बात वो नहीं यार, मेरा घर से निकलना बंद हो जाएगा। वो कैसे? अब मेरी माँ को कौन समझाए, हर गली में उसकी एक बहू रहती है। अरे हाँ, तुम लोग इंडिया की किसी भी गली में चले जाना, तुम्हें उसके बीवी बच्चे गली में डोलते हुए मिलेंगे। वो अलग बात है कि वो कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ भौं भौं करते हुए डोलते। मम्मी 2000 रुपए दे दो, मेरे को पार्लर जाना है। देती हूँ बेटा, ये ले 5000। 5000 क्यों? ये जो तेरी शक्ल है ना, 2000 में कुछ होने वाला नहीं है तेरा। इन आंटी को अपने एक रोज चैनल खोल लेना चाहिए। इट्स हर चॉइस। तुमने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? तो सुन लिया तुम लोगों ने, नेहा मैडम जी से कोई निगाहें मत मिला लेना, तुम्हारे साथ गुनाह कर देंगे। साल में किडनैप करवा देंगी, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए। तो आपको तो मालूम है वीडियो के लास्ट में एक स्पेशल सरप्राइज है आपके लिए, हर बार की तरह यार। लेकिन उससे पहले जो जो मेरे जैसे शूज खरीदना चाहता है ना, वो मेरा लिंक के थ्रू खरीद सकता है, और मेरा कूपन कोड मेरा लिंक 10 इस्तेमाल करने पे आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके खरीदारी करो ना। और इस समय जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, मुझे और हमारे इस चैनल को और हमारे पूरे परिवार को आपके थोड़े बहुत थोड़े मतलब ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट कर देना प्लीज़, ठीक है? इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हैक होने के बाद आपको मालूम है क्या क्या हुआ है चैनल पर। चलो अब उस पर नहीं जाऊँगा, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, वीडियो लास्ट में आ जाएगी, उसको देख लेना, ठीक है? बहुत कम लोगों ने देख ली है, इसलिए मैं अपनी पूरी फैमिली को उस वीडियो को दिखाना चाहता हूँ, तो देख लेना। और बाकी देखो अपना सरप्राइज। पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। ओके, दिस वाज लाइक मतलब जजों के रोस्ट हमने आज अभी तक देखा है, हमने आज इनका दिस वाज अ वेरी सटल रोस्ट जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बिना मतलब ठीक है, मतलब जो भी रोस्ट हमने देखा है बिना कोई गाली वाले बिना कुछ ऐसा वाला था, लेकिन ये वाला रोज सच्ची में मतलब आई जस्ट लाइक टोटली लाइक इट। दिस वाज दिस वीडियो इज बाय मिस्टर रवि, और जो जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, नॉट फोकसिंग ऑन द थिंग व्हिच लाइक एवरीवन वांट, मतलब एवरीवन थिंकिंग दैट इज, और मतलब उन्होंने फोकस किया उनके लाइक व्हाट वी कैन से गाने के ऊपर, दैट इज बेसिकली अ रियल नाइस थिंग। सो मजा आया पहले तो, है ना? सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।